Galitos presents Osamo speaks. Hello friends and fans, this is Osamo speaking. कुछ ही रोज पहले मैं अच्छा खासा डेढ़ खुजा के लंगूर की तरह लेट के चिल मार रहा था कि अचानक मेरी नजर इस वीडियो पे पड़ी. Mirror, mirror on the wall, who's the bad man of all? Soprano, you are the boss. फिर क्या बॉस? यानी के टट टेकिंग केयर के वो माहिर चुक्कू या उठाऊ लोग हैं जो ऑफिस में अपने बॉस की और यूनिवर्सिटी में अपने उस्तादों की गेंदे उठाते नहीं है बल्कि उठा के अपने कंधे पे रखते ताकि बस नंबर आ जाए, मार्क्स मिल जाए, प्रमोशन हो जाए. इंडियन फिल्मों में मेन गुंडे के लिए 15 रुपए में 3 टट्टू आ जाते हैं जिनका काम बस इतना होता है कि अगर बॉस कहे कि टट्टी गुलकंद है तो वो कहते हैं. बॉस अगर कहे कि खोते की लिद गुलाब जामुन है तो ये कहते हैं क्योंकि बॉस मदर चितर इज ऑलवेज राइट. मतलब कि सरकार अगर कहने के धमाल पौनी है तो मतलब पौनी है. नाग हूँ मैं, नाग काला नाग. इस तूत से काले प्राणी के टट्टू से जब हीरो एंड में पूछता है अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा तो वो सिंपली ये कहेंगे हमारे पास काला भी है, हमारे पास काला भी है. मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला. भाई साहब इन जुमलों ने तो लॉजिक के ओ में एल दे दिया. चुड़ैल की बेटी और शैतान के चेले के बीच में हुए शारीरिक संबंध के बाद तेरे जैसे जकूटा ही आ सकता है भाई, मान लिया. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है अर्शद भाई. सेठी साहब बताओ कौन है ये लोग? वो बेगैरत से जड़ा इन्हें शैताना नु पसंद करते ने, हराम दे ने, शराबी ने, कल्ले ने, जमाने ने, कुत्ती ने, पुत्र ने, सूर ने, बच्चे ने. काम की बात बता, जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया. इस बंदे ने मेरे दिमाग के साथ हम बिस्तरी कर दिए, रुक जाओ जरा. राइटर के खाली खोखले खोपड़े ने सोचा कि दिल्ली से बिल्ली राइम करता है तो बेस्ट और डायलॉग बना दो. दिल्ली बिल्ली कुल्ली उल्ली बुल्ली बिल्ली लुल्ली, जो दिल में आया बस राइम करके डायलॉग बना दो. कि क्या यार ऐसी उल्टी पलटी करके मारेगा कि तू खून की उल्टी करके मरेगा. अरे कहना क्या चाहते हो? अब जो आ रहा है ना भाई साहब, ये सुन के मेरे नाजुक चूथड़ों के चीथड़े उड़ गए. मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया. खोता खाते हुए तो हमने भी सुना है लेकिन लेंडी कुत्ता खाते हुए जज्बा चाहिए भाई साहब. जो जज्बा मैंने आज देखा है वो जज्बा अल्लाह की कसम मैंने पहले कभी नहीं. अगर माँ का दूध पिया तो मेरे सामने लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा. अरे अमिताभ अंकल, इधर किसी ने लोमड़ी का दूध पिया है तो किसी ने बिल्ली का. सारे मोगली बने हुए माँ के. लो जी वाह वाह. मेरा नाम है चुटिया पर तुझसे बड़ा नहीं कोई चुटिया. अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया. अबे भाई ये तो राइम तक नहीं किया, चुटिया खटिया कैसे कर लेते हो भाई? एक इंसान अपनी एक जिंदगी में इतना चुटिया कैसे हो सकता है? एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? How do these things happen? You meet specially by God. रॉकी जब पैदा हुआ उसके मुंह में सोने का चम्मच था. बेटा तेरे मुंह में सोने का चमचा हो या तेरी पिट्ठी में तांबे का बेलचा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस दिन तुझे किसी राबिया से इश्क हुआ ना तो मजबूर बन के सारे पैसे उड़ा देगा, मजनू की तरह मोहल्ले में मरवाता फिरेगा. क्योंकि आशिक बेशक कितना ही रिची रिच क्यों ना हो लेकिन मजबूर तो हो जाते हैं. मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला. एक मिनट पायान, ये 1000 का खुला देना जरा. तू तो ये जानती होगी कि फरवरी के महीने में 30 तारीख कभी नहीं आती. आज ये खविश तुझे 30 तारीख बनाएगा. जिंदगी के कैलेंडर से त्रिहस्ती को हमेशा के लिए हटा दूंगा. जोक ऑफ द मंथ हुई लिटरली. तो देर मत कर, जल्दी से मर जा. नहीं कोई असाइनमेंट है बहस, जो देर मत कर जल्दी मर जा. नहीं मैं करूंगा देर, भूतनी का तू चला गोली. इतनी भारी
पोटी, यानी कि इतना हैवी शिट सुनने के बाद एक बार ही दिल किया कि टॉयलेट पेपर के साथ लटक के जान दे दूं। अगर ऐसे लेम गुंडे असल जिंदगी में आ गए ना, फिर तो हमें कोई सुपर हीरो, कोई शिकारपुर का स्पाइडरमैन ही बचा सकता है। देखो भाई, एक बकरत घटिया राइटर एक अच्छी मूवी के लिए बलगम की तरह होता है, जिसकी लानत मूवी के एंड तक चिपकती रहती है। चलो भाई, fansstore.pk/khujlifamily पर जाओ और हमारे मर्च परचेज करो। चलो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।